राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। घर के तो सारे के सारे काम निमट गए हैं और पता चला है कि आज कन्नू के पापा फिर से वापस आ जाएंगे, क्योंकि जिस काम के लिए गए थे वो काम नहीं हुआ है। और काम तो निपटा लिया है सारा का सारा, लेकिन अभी बस घी रह गया था। घी जो है ताना रह गया था। ताने का मतलब इसे है ना, गरम करा मक्खन को। और आज मट्ठा भी बहुत सारी हो गई है हमारे घर पे, क्योंकि मैंने 15 दिन की मलाई जो है आज बिलो ली है। मक्खन बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा है, मतलब देखिए साइड में भी इस तरह लग रहा है जिस तरह दही लग दिया ना, इस तरीके से। और ये जो घी है मैंने आज ताया है, कम से कम 1-1.5 किलो होगा। और जब तक दूसरी बार का नंबर आएगा तब तक ये खत्म हो जाता है, क्योंकि मैं पराठे वराठे भी जो सेकती हूँ कन्नू के पापा के, तो मैं उसमें तेल में सेकती हूँ, क्योंकि उनको घी के अच्छे नहीं लगते, देसी घी के। और कन्नू को देसी घी के पराठे बना करके देती हूँ। तो अब बस मेरा सारा काम निमट गया है। इसको छान के रखूंगी बड़े डिब्बे में, इसको इकट्ठा करने के लिए। और आज मौसम का हाल कुछ ऐसा है कि तूफान आ रहा बहुत ही ज्यादा। तो वाणिका को भी आज अंदर ना लिटा कर बाहर ही लिटाया है। और वाणिका है ना, देखो गर्मी लगने लगी वाणी को। वाणिका है ना अब खिलौने फैला रही है, क्योंकि मेरा है ना सारा का सारा काम निमट गया था। ठीक है जी। और जब तक ये सारे के सारे नहीं निकलेंगे, जब तक इनको निकालती रहेगी निकालती रहेगी। आज मैंने धो करके ये वाली बेड की चादर जो है डाल दी है दोबारा से, और ये वाली रजाई वाणिका के लिए यहाँ पे रख दी है, क्योंकि ये थोड़ी देर में फिर लेट जाएगी। और फिर इसको आराम से इसमें लिटा दूंगी, क्योंकि ठंड भी नहीं लगेगी ज़्यादा। ये हल्की रजाई है, ज़्यादा ठंडी नहीं है, ज़्यादा गर्म नहीं है। सोचा लगा दिया था तो बाद में आया था तूफान। तूफान भरी हवाएं चल रही है बहुत सारी, और यहाँ पे थोड़ा सा काम यहाँ पे फैला के गई है। सारी की सारी चप्पलें रैक में से निकाल के चली गई है, अब वहाँ पे फैलाएगी थोड़ी देर। अब कन्नू की सारी आदतें जो भी है कन्नू की, धीरे धीरे आने लग रही वाणिका के अंदर काम फैलाने की। तो कन्नू तो अब फैलाता नहीं है, तो वाणिका की बारी। अब तो ऊपर से इतनी धूल आ रही बहुत ही ज़्यादा, और पोछा लगाने का तो सुबह के टाइम कुछ भी फायदा नहीं होता, क्योंकि इतना गंदा हो जाता है ना शाम तक, बहुत ही गंदा। दोपहर में, क्योंकि दोपहर में ही किसी का आने का टाइम होता है, और दोपहर में इतना गंदा हो जाता है। सोचते होंगे तो झाड़ू पोछा भी नहीं करते होंगे, लेकिन हमें पता है हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चप्पलें लगा देती हूँ यहाँ पे। और जैसे ही कन्नू का नाम लिया, कन्नू हाजिर। कल के लिए कन्नू की यूनिफॉर्म भी तैयार कर दिया है ये वाली। और यहाँ पे इनर बनियान पजामी जैकेट सारी की सारी चीजें रख दिया है, टाई बेल्ट भी। तो अभी बस मुझे क्या करना है, झाड़ू लगानी है। पोछा तो शाम के टाइम लगना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है पोछा लगाने में। हुआ बेटा चार्जिंग केबल का मेरे चार्जर केबिल, हाँ तोड़ दिया अपना बनाना हाउस। देखो येरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी। चार्जिंग केबल का है, क्या करेगा मेरे चार्जर केबिल से? क्या चलाएगा? वाईफाई। वाईफाई मेरे चार्जर केबिल से नहीं चलता, वो उसमें लग के चल जाता है। ठीक है, चार्जिंग वाला वाईफाई, ये वाला चार्जिंग वाला वाईफाई नहीं है? नहीं है। वाणी का गोल गोल घूम के दिखाइयो, देखिए इधर। हाँ हवा बहुत तेज चल रही है, वाकई में इतनी तेज हवा चल रही है, बहुत ज्यादा। झंडे से आप वो कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि तेज हवा चल रही है। और ये मैकेनिक साहब तो हाँ, कोई सी नहीं लगने की बेटा इसमें, मुझे पता है कोई सी केबल नहीं लगेगी, क्योंकि पापा है ना इसकी केबल वहां पे लेके जाते हैं ऑफिस में। अभी सारी जगह झाड़ू तो लगा दिया, लेकिन ये जो मिट्टी है वही पोछे से ही साफ होगी। और इधर दोनों बच्चे खेल रहे हैं, बस बाहर की तरफ झाड़ू लगानी रह गई है यहाँ पे। आज वाणी के मामा जी है ना लीची वाली टोपी लेके आए, और वाणी का है ना देखे जा रही अपने मामा जी की तरफ को। और कन्नू कन्नू देखो, कन्नू की तो गर्दन ही सीधी नहीं हो रही है। कौन सी मामे वाली तो मुझे अच्छी लगे, लीची वाली तो अच्छी नहीं लगती। रोटी खाएगी उसको, अभी को मूंगफली देगी, देवाना ले ली। और पैसे भी है ना इससे एकदम पकड़ लिए। देने के नाम की लड़की है भाई, लेने के नाम की तैयार है। आज आज मैंने बनाया कड़ी चावल रोटी।
गरम गरम कड़ी चावल खाइए और नजला जुकाम ठीक करिए अपना। इसको खिलाएगी, देख कह दिया भाई। और भी यो है ना, उसकी है मावे की है, लीची की है, मावे की तो अच्छी लगे, हमें टॉफी मावे की गोले से की। देख मुझे रोटी खिलाएगी, इसको भी खिलाएगी, खिलाएगी कन्नू, कन्नू खिला देगा अपनी मम्मा को तो। कन्नू नहीं निकला, कन्नू खिलाएगा, कन्नू खिलाएगा आज। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है। ये बनाई है कढ़ी मैंने आज, और कढ़ी में देखे तेल ऊपर आ गया है, कड़कड़ के तेज पत्ता, मुलेठी, बहुत सारी चीज़ें, दालचीनी की डंडी, और इसमें बनाए हैं चावल बासमती के, कुकर में ही बनाए हैं, और ये घर वाले बनाए हैं, बाहर वाले नहीं बनाए हैं, तो बहुत लंबे लंबे हो रहे हैं। हवा है ना, अब भी नहीं रुक रही है, ये देखिए किस तरह झंडे लहरा रहे हैं। और झाड़ू मैंने बड़ी मुश्किल से लगाई, जैसे झाड़ू लगाती थी तो फिर सारे को फिर कूड़ा अंदर चला जाता, झाड़ू लगाती थी फिर कूड़ा अंदर चला जाता, बड़ी मुश्किल है झाड़ू लगाना, और अब तो साफ सुथरा हो ही गया है सारी जगह में। वानिका अपने पापा के आते ही बहुत खुश हो जाती है, और वानिका के लिए कॉफी फोड़ फोड़ के ना रख दिया। ये खाना खा चुकी आज, इसने कड़ी रोटी खाई है जो इसकी मन पसंद है। मन पसंद चीज बनाते रहो, जैसे साग है, कड़ी है, राजमा है, चावल है, ये बनाते रहेंगे ना, तो पूरा पसंद है भाई। इस तरीके से ही कड़ी पसंद है ऐसे बहुत ज्यादा। दे बेटा, दे दे जल्दी, दे एक की बजाय दो दे दे, चल तेरे लिए मैंगो मैंगो वाली टॉफी लेके आई थी भूल गया। चावल लगा दिए हैं और इधर कड़ी भी, सभी को खाना कन्नू ने खिलाया है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे, क्योंकि वो कभी है ना कहना मानता नहीं है, तो बर्तन भी इकट्ठे कर दिए थे उसने, बर्तन ले ले करके और चौकी पे रख दिए थे, तो बर्तन साफ करके ले आई हूँ, और दूध भी धीमी धीमी सी आज पे यहाँ पर पक गया है, झरनी ऊपर से ढक रखी थी, और बस अब गैस वैस तो सुबह को साफ होगा, और वहाँ पर पानी भी डाल दिया है, और यहाँ पे चल रही है बच्चों की मस्तियाँ। कैसे सारा भाई, इसका गुल्ला है और इसे दो भाई, गलत बात है, गलत बात है, वानिका को गुल्ला वानिका को दो, और यहाँ से अपना गुल्ला दूसरा लेके आओ, भले वो मांग रही है गुल्ला, दे दे ये सारा दिन है ना दुकान की चीज में नहीं छकता बस। मम्मा मैंने तो खाई नहीं एक भी।